हम हमेशा बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, मगर हम कभी बात नहीं करते बॉडी लैंग्वेज की। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इसी तरह बॉडी लैंग्वेज भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने अच्छी इंग्लिश बोली है तो आपको अच्छी बॉडी लैंग्वेज भी चाहिए होगी। उसके लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे और बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम स्पीकिंग की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं करते। जैसे हमें दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से हमारी बॉडी भी कोई मैसेज कन्वे कर रही होती है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंस दे सकती हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा फील करवा सकती हैं। आपने हमेशा उनका ख्याल रखना है जब भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात करनी है या कभी किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी बॉडी लैंग्वेज है में चीज़ें आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्माइल करना। अगर मैं रेस्टिंग फेस के साथ आपसे बात करूंगी लाइक दिस, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहते हैं मैं पूरी वीडियो में बिल्कुल इसी तरह आपसे बात करूं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने कभी भी फ्लैट नहीं होना, रेस्टिंग फेस नहीं रखना, आपने हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखनी है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि हम जब स्माइल करते हैं ज़बरदस्ती, तो ऐसे लगता है जैसे हम फेक स्माइल कर रहे हैं, लाइक दिस। आपने ऐसे भी स्माइल नहीं करना, आपने बहुत नेचुरल स्माइल करना है। और इसके लिए बहुत अच्छी टिप ये हो सकती है कि जब आप कभी किसी से मिलें तो आप जब मिलें तब स्माइल करें, और बीच में अपनी बात कर लें, और उसके बाद जब आप जाने लगें आप तब स्माइल करें, तो ये फेक नहीं लगता। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी उस पर आता है आपका आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं इधर और उधर देखूँ तो मेरा आपसे आई कांटेक्ट नहीं बन पाएगा, मैं अपनी बात आप तक कन्वे नहीं कर पाऊँगी। आई कांटेक्ट स्पीकिंग में तो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन लिसनिंग में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसे होता है जब हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हमारा उसमें हम उसकी बात नहीं सुन रहे होते, क्योंकि हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता। अगर हम उसकी बात ध्यान से सुने तो हमारा आई कांटेक्ट रहता है और दूसरा अपनी बात ज़रूर बताता है। लेकिन अगर हम आई कांटेक्ट के बगैर बात करें और इधर उधर देखना शुरू कर दें तो यकीनन उसको पता चल जाएगा कि हमारा आपकी मतलब उसकी बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आई कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम ऐसे कंधे झुका के बात करते हैं। हमेशा आपने इस तरह से बात करनी है, आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट अप हो, आपका चीन थोड़ा लेवल अप हो, और बिल्कुल डाउन ना चले जाएं और बिल्कुल हाई ना चले जाएं। आई मीन इट शुड बी ऑन अ लेवल। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने हाथों का इस्तेमाल जो है वो शो करते हैं कि यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट। तो आपका आई कॉन्टेक्ट, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका बॉडी पोस्चर, जेस्चर, आपके चेहरे पर स्माइल जो है ये एक अच्छा जेस्चर देती है और आपको एक कॉन्फिडेंस भी देती है कि आप किस तरह से बात करें। तो आप भी इसको इस्तेमाल कीजिएगा, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करें, अपनी हैंड मूवमेंट्स को इस्तेमाल करें, अपने चेहरे की स्माइल को इस्तेमाल करें, अपने बॉडी की लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, और यही आप चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देंगी और आप डिफरेंस भी फील करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने किसी से बात करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी स्माइल का ध्यान रखना है, आई कॉन्टेक्ट का ध्यान रखना है, हैंड मूवमेंट्स का ध्यान रखना है, पोस्चर जेस्चर का ध्यान रखना है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं की, हमने बॉडी लैंग्वेज की बात की है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हमें बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। तो मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।